Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to discuss about the planning system at the state level. So this is lecture number 22 in the Indian Administration lecture series, and for the public administration lecture series, subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can. And you can join us also on WhatsApp as well as on Facebook. Links are provided in the description box. Fine. And if you want to contact us, then you can mail us directly. So shuru karte aaj ka lecture without wasting much time, that is planning system at the state level. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ क्लियर कि जो प्लानिंग सब्जेक्ट है इट इज़ मैंशन इन द कंकरेंट लिस्ट. एज यू नो सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीन लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट यानी कि जिन पे सिर्फ यूनियन कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिन पे स्टेट कानून बना सकता है, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट यानी जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं. तो प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेवन्थ शेड्यूल में, और इसी वजह से सेंटर और स्टेट दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्लानिंग की. इन अ फेडरल सेटअप आपको पता है इंडिया इज़ अ फेडरेशन, डायरेक्टली फेडरेशन तो नहीं कहा गया बट अपना एक यूनिक ही फेडरेशन है इंडिया का भी. सो इन अ फेडरल सेटअप द क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज असेंशियल फॉर बैलेंस्ड एंड रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फाइन, दोनों के बीच में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से प्लानिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके. ऑल द इंडियन स्टेट्स हैव प्लानिंग डिपार्टमेंट ईच ऑफ विच हेडेड बाय ईदर सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर. हर एक इंडियन स्टेट के पास अपना एक खुद का प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसका हेड जो होता है पॉलिटिकल लेवल पे ईदर सीएम होते हैं या फिर कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी हेड होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, और कई स्टेट में जैसे राजस्थान के अंदर चीफ सेक्रेटरी नहीं बल्कि अलग से एक पोस्ट डेजिग्नेट की गई है टू हेड द प्लानिंग डिपार्टमेंट विच इज़ नेम्ड एज द प्लानिंग सेक्रेटरी. तो कुछ स्टेट के अंदर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल प्लानिंग सेक्रेटरी जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को हेड करता है. एंड डिपार्टमेंट के अंडर काफ़ी सारी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई गई हैं जिनका काम होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. सो दीज कमेटी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैटर्स ऑफ इंटर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. समझिए कि ये जो डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्या करती है, ये अलग अलग डेवलपमेंट एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है. यानी कि जितनी भी एजेंसी अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट इन अ स्टेट, जितनी डेवलपमेंट एजेंसी काम कर रही हैं वहाँ, उनका काम एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम ये कमेटीज़ करती हैं. फाइन, तो एक हमने बात की प्लानिंग डिपार्टमेंट की, दूसरा हमने बात की डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की. अब बात करते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड की. स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है वो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ARC, फर्स्ट ARC जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसकी रिकमेंडेशन के बाद स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स बनाए गए हैं. बट एट द स्टेट लेवल प्लानिंग डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पर, प्लीज़ ऐड कर लीजिए. एट द स्टेट लेवल प्लानिंग डिपार्टमेंट डू नॉट अपीयर टू हैव बीन एडिक्वेटली इफेक्टिव, सो देर इज़ अ नीड फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग बोर्ड की जो है वो नीड अराइज हुई है, प्लानिंग डिपार्टमेंट इतना इफेक्टिव नहीं है, दैट्स वाई प्लानिंग बोर्ड की नीड जो है वो अराइज हुई है पास्ट के अंदर. सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द स्टेट प्लानिंग मशीनरी द प्लानिंग बोर्ड्स वर सेटअप इन द स्टेट्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ARC. अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम स्टेट प्लानिंग बोर्ड की, तो बोर्ड जो है वो जनरली हेड किया जाता है बाय द सीएम और फ्यू सीनियर मिनिस्टर. काफ़ी एक्सपर्ट भी होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं. द बोर्ड मेनली कंसर्न्ड विद द ब्रॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज इन प्लानिंग. प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट प्लानिंग बोर्ड. समझिए इस बात को कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो एज ए सेक्रेटेरिएट काम करता है फॉर द स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड देयर ओवरऑल इम्पैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे कोई डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग बोर्ड, और अगर मेनली जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि प्लानिंग जो है एट द स्टेट लेवल वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट या इसके सॉल्यूशन क्या है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड जिस मोटिव के साथ इसको क्रिएट किया गया था वो मोटिव फुलफिल नहीं हुआ. ओवरऑल इम्पैक्ट जो है प्लानिंग सिस्टम पे इसका वो काफ़ी मार्जिनल दिखता है, बहुत ही कम दिखता है. राइट, यहाँ पर हम पेपर वन से इसको लिंक करते हैं, और ये समझिए कि जब आप स्टेट प्लानिंग कमीशन या स्टेट प्लानिंग बोर्ड की अगर आप बात कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो इसकी परफॉर्मेंस को, तो आपको रिक्सियन मॉडल ऑफ फॉर्मलिज्म याद रखना चाहिए. जब भी कोई भी बॉडी जब आप स्टडी करते हो खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका मोटिव ऑब्जेक्टिव एम ऑब्जेक्टिव और एम बहुत अच्छे होते हैं बट फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता. इंडिया में मेन प्रॉब्लम ही इम्प्लीमेंटेशन की है. ठीक है, तो आप यहाँ पर रिक्स का एग्जांपल दे सकते हो, रिक्स मॉडल ऑफ फॉर्मलिज्म. अकॉर्डिंग टू विच मॉडल इन अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी यानी कि डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड
रिफॉर्म लाए जाते हैं बट देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज जनरली कॉस्मेटिक एंड इन इफेक्टिव. ध्यान रखिए कि येस प्रिज्मेटिक सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं बट वो कॉस्मेटिक होते हैं, मतलब दिखावे के ज़्यादा होते हैं और उतने ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते. सो कॉस्मेटिक एंड इन इफेक्टिव, राइट. ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ये मेंशन करना हो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे एफर्ट लाए गए हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप रिग्सियन मॉडल ऑफ फॉर्मलिज्म को ऐड कर सकते हैं. सरकारी कमीशन नोट करता है दैट ऑल द स्टेट प्लानिंग बोर्ड हैव बीन सेटअप with the persuasion these institutions have not been involved in the real planning work. Yes, state planning board ko bahut hi zyada enthusiasm ke sath create kiya gaya tha but unke haath mein real power nahi hai, nominal bodies ban karke reh gayi hain wo. And planning system in India has reduced the operational autonomy of state. Why? Because center ke paas zyada power hai planning ko lekar ke. Planning commission ko abolish kyun kiya gaya? Reason आप सर्च कीजिए, या नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या फ़र्क था और नीति आयोग आने के बाद में स्टेट के पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा है. जब आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. सो विजिट द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नीति आयोग आने के बाद में स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग सिस्टम किस तरीके से चेंज हुआ है. कुछ इशू एरिया की बात करते हैं और साथ में कुछ सजेशन की बात करते हैं. There is a need to involve educational institutions, research organization and NGO etc. in the formulation and evaluation of plans. सिर्फ आपको planning जो है वो सिर्फ और सिर्फ government organization के हाथों में नहीं रहनी चाहिए. आपको educational institutions, NGO, research organization ऐसी bodies create की जानी चाहिए, यानी कि लोगों का participation ज़्यादा से ज़्यादा increase करना चाहिए आपको plans बनाने में और उनके formulation में as well as उनके evaluation में. उसके अलावा स्टेट्स जो हैं वो यस दे कैन क्रिएट प्लान्स, दे कैन फॉर्मुलेट द प्लान्स बट फाइनेंस के लिए उनको सेंटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता. फाइन, तो उनके पास क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं स्टेट, चाहे वो सेंटर दे रहा है चाहे वो खुद के हैं, तो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ग्रेटर मोबिलाइज होने चाहिए. मतलब स्टेट के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. एंड द प्लान कैलेंडर शुड बी फॉलोड केयरफुली. जिस हिसाब से प्लान बनाया गया है वो जो कैलेंडर किस टाइम पे क्या काम होना है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए. एंड प्लानिंग सेल जो है शुड बी रीएक्टिवेटेड. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनुअल प्लान शुड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक रहता है, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वैसे ही आपका जो एनुअल प्लान है वो भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन शुड हैव एन इंक्रीज रोल इन द प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम में. डेमोक्रेसी डिपेंड करती है कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं. इन द सेम वे आपकी प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो पाती है कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं. प्लान्ड इकोनॉमी बेसिकली सोशलिस्ट कंट्रीज़ की देन है. प्लानिंग सोशलिस्ट कंट्री की देन है. कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती. बट वी आर द मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स हम सिर्फ न तो कैपिटलिस्ट हैं नहीं प्योरली सोशलिस्ट है. हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉलो करते हैं, इसलिए कुछ हद तक हम प्लानिंग करके चलते हैं और कुछ हद तक जो है वो मार्केट फोर्सेज काम करती हैं इन द इकोनॉमिक सेक्टर. बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मेनली जो है वो डेवलपमेंट का काम, जो है रैपिड डेवलपमेंट का काम वो गवर्नमेंट ने ले लिया है. आप फाइंड आउट करेंगे कि जब हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कवर किया, प्लानिंग को आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पढ़िए, यू विल फाइंड कि किस तरीके से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, किस तरीके से उसके आस्पेक्ट चेंज हुए हैं. 1950s के एरा में स्टेट लेड डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है, उसके बाद में किस तरीके से डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो चेंज होता है, यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट, राइट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडे एंड next topic will be based on the district level planning. Don't forget to subscribe the channel, like the video, comment and share.